सब्सक्राइब करें सुभान तेरी कुदरत को और दबाएं बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप तीतर से मालकी किस तरह से करवा सकते हैं। दोस्तों, मालकी तीतर के लिए क्यों ज़रूरी है? तीतर की जो चकरी होती है उसके लिए मालकी तीतर की करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सादा तीतर होता है वो चकरी में जब बोलता है और जब मालकी वाला तीतर होता है वो बोलता है चकरी में, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मालकी वाला जो तीतर होता है वो बहुत अच्छी भलाई करता है, और जिस तीतर ने मालकी नहीं की हुई होती वो बहुत जो है ना वो उससे कम भलाई करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में तफसील से बताऊंगा कि मालकी क्या चीज़ होती है और मालकी तीतर को कैसे कराई जाती है और तीतर पे उसका क्या असर पड़ता है, या चकरी के जो शौकीन होते हैं भलाई वगैरह के, जो बाजियों के शौकीन होते हैं उनके लिए मालकी क्यों ज़रूरी होती है। तो ये मुकम्मल आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, काले तीतर की जो मालकी होती है वो एक या दो दिन में नहीं उस पे की जा सकती, क्योंकि ये पुराने शौकीन हजरात जो होते हैं वो तो जानते होते हैं, ये नए होते हैं उनको नहीं पता होता कि काले तीतर की मालकी के क्या फ़ायदे हैं। इसमें दोस्तों कम से कम आपको एक साल लग सकता है काले तीतर की मालकी करने के लिए। आपको एक साल का वक्त जो होता है, यानी कि एक कुरीर जो होती है काले तीतर, तो एक साल उसे आप कम से कम रखेंगे तो वो आपके जो है ना वो मालकी करना स्टार्ट कर देगा। तो मालकी क्या चीज़ होती है दोस्तों, मालकी किस तरह से तीतर करता है वो मैं आपको बताऊँ कि जब मालकी आप करवा, यानी कि आप अपने तीतर से कैसे सकते हैं। आप अपने तीतर को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब रखें, जितना आप उसके करीब रहेंगे वो आपको देखेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा तो वो आपके साथ अटैच होगा इतना ज़्यादा। उसके बाद आप उसका दाना पानी, उसकी सफाई वगैरह वो टाइम पे करें, खुद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने तीतर के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना आप ज़्यादा उसके साथ रहेंगे इतना वो आपके साथ ज़्यादा घुल मिल जाएगा, और दोस्तों वो आपकी जो है ना वो मालकी पकड़ लेगा। पुराना तीतर जब दोस्तों आप ख़रीदते हैं तो पुराने मालिक को बुलाने के लिए उसको दो तीन दिन चाहिए होते हैं, तो फिर उसके साथ आप अगर एक साल उसके साथ इसी तरह आप अटैच रहें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अगर चकरी बुलाई के शौकीन रखते हैं तो ज़्यादा आप मेहनत जानते होंगे, तो इसलिए उसके पास जितना रहेंगे, जितना उसके करीब रहेंगे, जितना उसको खिलाएं पिलाएंगे, खुद उसकी सफाई वगैरह टाइम पे करेंगे, तो वो इतनी जल्दी ही आपकी मालकी पकड़ लेगा। तो जब दोस्तों मालकी पकड़ लेगा तो फिर वो क्या होता है कि तीतर जो होता है वो खुश हो जाता है। एक किस्म का जब वो खुश हो के बोलता है तो वो जो मजबूरी में तीतर बोल रहे होते हैं या तीतर खुद अपनी मर्ज़ी से बोल रहे होते हैं वो कम बोलते हैं चकरी के अंदर। जो मालकी वाले तीतर होते हैं वो खुश होते हैं, वो जब अपने मालिक को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वो इसी खुशी की वजह से जब उनके मालिक नज़दीक होते हैं तो वो मालकी करते हैं, वो फिर मस्ती करते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा और खुश हो के बोलते हैं। तो वही तीतर जब दोस्तों चकरी के अंदर जाते हैं तो उनके मालिक उनके पास बैठे होते हैं, तो वो तीतर जो अपने मालकी कर रहा होता है, अपने मालिक की जो मस्ती उसने पकड़ी हुई होती है, वो उसी लिहाज से बहुत खुश हो के और बहुत अपने जो दिल से होते हैं वो आवाज़ें निकालता है, और बहुत उसकी अच्छी आवाज़ और ज़्यादा वो भलाई कर सकता है दूसरे तीतरों से। बाद नस्बत जो तीतर सिर्फ टाइम के हिसाब से बोलते हैं वो तो अपने टाइम के हिसाब से बोलेंगे और चुप हो जाएंगे, तो जो मालकी वाले तीतर होते हैं उनका जब तक मालिक उनके पास रहेगा वो तब तक बोलते ही रहेंगे, तो वो ज़्यादा आवाज़ भी ज़्यादा बहुत बेहतरीन लगाते हैं और वो थकते भी नहीं हैं, खुश हो के बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो चीज़ अपनी खुशी से की जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए जब तीतर खुशी से बोलता है तो वो ज़्यादा बोलता है, इसको कहते हैं दोस्तों तीतर की मालकी। तो दोस्तों, जो मालकी वाला तीतर होता है वो चकरी के शौकीन जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मालकी करवाना तीतर से, क्योंकि वो चकरी में जब जाता है तो वो दूसरे तीतरों से दबता नहीं है, वो बढ़ चढ़ के आवाज़ें लगाता है और बहुत खुश हो के आवाज़ें लगाता है, तो इसलिए जो चकरी के शौकीन हज़रात हैं उनके लिए तो ये मालकी करनी तीतर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना ही उनको उधर जा कर रिज़ल्ट उसका देता है। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।